मे गॉड सेव यू फ्रॉम द रिवेंज ऑफ अफगान। अब आज हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस फोटो को ध्यान से देखो। दिस इज आसिफ दुरानी सर। ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम पाकिस्तान टूवर्ड्स अफगानिस्तान, राइट। पाकिस्तान ने आज इनको हटा दिया। अब इनकी अफगान पॉलिसी पाकिस्तान की फेल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भैया ऐसा क्यों, ये समझने वाली बात है। ये आप देखो, जस्ट 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि अफगानिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी पाइपलाइन पर काम चालू कर दिया। और जब काम चालू कर ही दिया है भैया, तो आखिर कैसे फिर ये रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आया है, इसके लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 5 दिन पहले की कहानी आप देखो। ये काबुल के जस्ट साउथ वेस्ट तरफ एक प्रोविंस है, खोस्ट प्रोविंस। यहाँ कुछ स्कर्मिशेस होते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में, और तालिबानी लड़ाके कुछ कुछ मारे जाते हैं। नॉट जस्ट दिस, मार्च 2024 में अफगानिस्तान के कुछ सोल्जर्स पाकिस्तान पर अटैक करते हैं अक्रॉस दिस बॉर्डर। पाकिस्तान रिटर्न में एयर स्ट्राइक करता है, जिसके लिए तालिबानी बोलते हैं कि तुमने किसी टेररिस्ट को नहीं मारा, यहाँ पर सिर्फ 8 सिविलियंस की डेथ हुई है। और इसके रिटर्न में फिर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, और तब इनके जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन्होंने तक बोल दिया था कि हम किसी भी टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, और अब हम सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। आखिर ये क्या बात हुई? देखो, एनीवेज, इमरान खान जब पावर में आए थे तो ये तो बड़ा खुश हो रहे थे, जैसा हम आगे देखेंगे, कि अब तो हमारे ही बनाए हुए मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए पावर में, राइट। और अब तो हमारी ही चांदी की चांदी, और इंडिया तो वैसे भी एनीवेज इम्पैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ कि ये पूरे रिलेशनशिप इतना डाउनटर्न में आ गया? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पश्तून्स को, अफगान को। और ये आपका है पश्तून्स का एरिया टोटल। आप देखो, यहाँ पर पश्तून्स रहते हैं, यहाँ इस एरिया के हिसाब से आपका ग्रीन वाला एरिया है, और पाकिस्तान के अक्रॉस इस बॉर्डर में भी। दीज पश्तून्स आर अ वेरी प्राउड पीपल। इनके लिए इनका प्राइड, इनके लिए इनका रिवेंज, बदला और लैंड, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बदला तो हमने देख ही लिया, जमीन, अगर आप इनकी जमीन पर इन्वेड करते हो जैसा अंग्रेजों ने किया था, किस टाइम पीरियड पर, याद करो, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1840। 20,000 हमने सोल्जर्स भेजे थे, इनमें से एक ही असिस्टेंट सर्जन थे लॉर्ड ब्रायन सर, सिर्फ ये अकेले वापस आए थे जलालाबाद में, और फिर कुछ और सोल्जर्स बाद में सिविलियंस के बाद साथ आए। बाकी 20,000 की 20,000 सेना को ये अफगान्स जो थे पश्तून्स खा गए थे। कैसे? आप इनके एरिया में जाओ, कंट्रोल तो ले लोगे, इनके राजा को हटा के अपना पपेट बिठा दोगे, लेकिन ये आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये सब गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। बाय द वे, अगर आपको अन अकेडमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो हमारा पटना सेंटर नया ओपन हुआ है। अगर आप पटना से या बिहार से हो, तो आप एक बार सेंटर जरूर विजिट करना फॉर प्रोफेशनल काउंसलिंग। आपको पूरा यहाँ पर एडवाइस मिल जाएगी फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर बीपीएससी। इसी के साथ साथ आपके लिए फाउंडेशन बैच है दिल्ली में करोल बाग, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं, एंड इसके साथ साथ में प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच चलती है। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, बाय द वे, ये पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंश्योर करती है थ्रू द हेल्प ऑफ सीसैट, करंट अफेयर्स, एसए एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और इनमें सब में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, आपको ओवरऑल गाइड करने के लिए, आप भटको ना, इसके लिए मेंटरशिप का भी कंपोनेंट है। तो इन सब के बारे में, अगर इस कोर्स के बारे में आपको इंक्वायर करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। साथ साथ अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू करंट अफेयर्स, लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, इसके लिए भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट तो यही होता है कि आप काउंसलिंग के लिए सेंटर्स पर विजिट कर लो, करोल बाग दिल्ली में, मुखर्जी नगर दिल्ली में फॉर हिंदी मीडियम, एंड प्रयागराज, सो दैट आपको एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। और साथ में कनेक्ट होने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप का जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हो, और थोड़ी बहुत ये डिटेल्स भी मेरे बारे में, अबाउट मी। और ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है, नॉट जस्ट टुडे। कैसे भैया? ये आप देखो, ये एरिया तुर्क वाले एरियाज है, तुर्किश ट्राइब पूरी दुनिया में इन्वेड करती थी, यहां तक भी आती थी, तो यहाँ भी इस तरफ आते थे, और यहाँ पर्शिया से इस्लाम का इन्फ्लुएंस इन लोगों पर पड़ा, तो ये बेचारे वॉर से थ्रू रेवेज होते थे। जब भी तुर्किश आते थे, इनको रेवेज करके, प्लंडर करके, रेड्स करके चले जाते थे। तो यहाँ क्या हुआ, गजनवी, आपको याद होगा, महमूद ऑफ गजनी, इसके अंडर एक गाजी की स्पिरिट पैदा हुई। गाजी उसी को बोलते हैं जिसने इस्लाम ऑक्यूपाई किया हो, कैप्चर किया हो, इस्लाम को अपनाया हो अपने एरियाज में, तब इस्लाम आने लगा यहाँ पर। एंड नॉट जस्ट दिस, ये तुर्किश ट्राइब से लड़ने में कम्प्लीटली माहिर हुआ करते थे, क्योंकि इन्हीं की टैक्टिक्स इन्हीं पर यूज करते थे। फिर इन्होंने यहाँ से ग्लाजी, गाजी और प्लंडर वाली स्पिरिट सीखी थी, और आपको पता होगा हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर जितने इन्वेजन हुए हैं वो यही, ये आप देख रहे हो पेशावर, ये खाइबर पास है, इस तरफ खाइबर पास के जस्ट बाद पेशावर पड़ता है, यहाँ से गोमल पास से,
बोलान पास से, इन्हीं पासेस से हमारे यहाँ इंडिया में भी इन्वेजन हुए, किस किस के भैया, गजनी के, गौरी के, इन सब के। अब सोचो ये जो आज के जो ये तालिबान है जो मेजरली पश्तून से ही बने हैं, ये इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, तो सोचो ये लोग कितने डेंजरस टाइप के लोग हुआ करते होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी डेंजरस टेररिस्ट। जिनको किसने बनाया, जिनको पाकिस्तान, यूएसए और सऊदी अरेबिया ने ही बनाया। नॉट जस्ट दिस, ब्रिटिशर्स का एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का 1879 के आसपास का, जब ब्रिटिशर्स जीत गए और इन्होंने ट्रीटी ऑफ गंडमार्क कर ली। ठीक है भैया कर ली तो अब क्या करें, लेकिन अब इनके यहाँ पर ये जो प्रोविंसेस हैं, देखो काबुल है, कांधार है, ये फिर से कबीलों ने छीन लिया और फिर से ब्रिटिशर्स को री ऑक्यूपाई करना पड़ा इन प्रोविंसेस को। इस तरीके से ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते हैं और फिर ब्रिटिशर्स परेशान हो गए, उनको लगा रशियंस का ठीक है इन्फ्लुएंस है, लेकिन रशियंस तब विड्रॉ कर चुके थे, इनको लगा कि अब एक फ्रंटियर यहाँ पर डिलिनेट कर देते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ सर मोर्टिमर व्हीलर दुरंद। और इससे यहाँ पर आती है आपकी दुरंद लाइन 1893 की, राइट। अब ये आई तो इसने पश्तून एरियाज को उनके हार्ट से डिवाइड कर दिया, जैसे किसी का दिल आपने चीर दिया हो। अब आप देखो आज का तालिबानी, आज का पश्तून बोलता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्या डिस्प्यूट, पाकिस्तान तो था ही नहीं, ये जो बॉर्डर थी ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में थी, राइट। पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना कि हमको बीच से काट दिया इंडिया ने, हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप देखो तो आप खुद तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये तो पूरा इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर थी, तुम खुद पश्तून इलाकों उसको लेके बैठे हो। तो अब पश्तून बोलते हैं कि हम इस दुरंद लाइन को मानते ही नहीं है, ना इन्होंने 2001 में माना, ना 2007-08 में जब तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी 1990s में इनके फॉर्मेशन में, ना तब माना, ना 2014 में माना, ना 16 में माना, ना 20 में माना, कभी नहीं मानेंगे ये लोग। और आने वाले 50 साल तक आप देखना इस बॉर्डर पर पूरा ये जो स्कर्मिशेज हैं ये कंटिन्यूड रहेंगे, ठीक है। इनफैक्ट आप देखो पाकिस्तानियों की बेवकूफी, ये लोग क्या बोलते हैं, ये गधे के बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो स्कर्मिशेज हैं ये इन तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, राइट, ताकि हमारा अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म हो। अब आप इनको बताओ हमारी एम्बेसी वहां से हट गई, जैसे ही तालिबान ने डिसाइड किया, तालिबान और यूएस ने मिलकर डिसाइड किया कि अब तालिबान टेक ओवर करेगा अफगानिस्तान का 15 अगस्त 2021 से, तो हमने तभी हमारी एम्बेसी हटा दी, हमने अपने ऑफिसेस को वहां पर बहुत ही मिनिमल स्टाफ रखा है एक ऑफिस में, मतलब कुछ है ही नहीं, और हमारी तो इनके साथ कोई लैंड बॉर्डर अब रही नहीं है प्रैक्टिकल टर्म्स में, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान ने ले लिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है आज के टाइम पीरियड पर, गुलाम कश्मीर, राइट। तो अब एनीवेज हम कहां से इन पर एक्सेस पाएंगे और हमारा क्या रोल है, लेकिन ये इस चीज को कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, थ्रेट का एक्सटर्नलाइजेशन, ये बोलेंगे कि देखो इंडिया है, हिंदू है, ये तुम्हें परेशान कर रहा है और दैट्स वाई आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है और अपने आप को एकजुट करके इस बॉर्डर पर लड़ाइयां करनी है। अब आप सोचो कितना यहाँ पर बेवकूफ वाला लॉजिक है कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करने के लिए यहाँ पर फोकस करेंगे, जबकि हमारा फोकस पाकिस्तान है ही नहीं, आर फोकस इज इंटरनल ग्रोथ एज वेल एज द प्रिपेयरनेस टुवर्ड्स द चाइना बॉर्डर एंड अदर सच प्रायोरिटीज। हमारी प्रायोरिटी नहीं है ये और जबरदस्ती हमारा नाम यूज किए जा रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, आप देखो ये आपकी अफगानिस्तान पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज वाली बॉर्डर है, इसमें ये रीजन देखो, यहाँ पर आपके पश्तून्स काफी रहते हैं। ये मैं आपको मैप दिखा रही हूँ 2009 का। देखो होता क्या है, 1990s में यूएस और सऊदी की सपोर्ट से तालिबान बनता है विद इन पाकिस्तान, उसके बाद ये जाते हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान और 1996 में पूरा अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं। अब उसके बाद एक रोग ऑर्गेनाइजेशन उठती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान 2007 में, ठीक है। ये तालिबान के ही एक तरीके से आप समझ लो बच्चे भाई भतीजे हैं जो तालिबान का सपोर्ट पाते हैं अक्रॉस दी बॉर्डर। अब ये यहाँ पर अटैक्स करने लगते हैं और ये आप देखो तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे एरियाज में बना देते हैं। ये स्वात वैली है, यही 2012 में मलाला यूसुफजई के सर पे गोली मारकर उसको मारने की कोशिश की थी, बाद में उस लड़की को नोबेल प्राइज मिला था, आपको याद होगा, राइट। तो अब यहाँ पर ये लोग इतनी हरकतें करते हैं 2009 में और ये एरिया ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से उस टाइम जाने वाला था, तब भी ये नहीं सुधर रहे, तब भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि तालिबान का नेचर ही है भैया, दीज आर फाइटर पीपल, दीज आर वेरी विलिंग फॉर लैंड। तब भी आप देखो इमरान खान क्या बोलता है कि जब 2021 में तालिबानी आ गए, जस्ट 15 अगस्त को आए और अगले दिन इमरान खान क्या बोल रहा है 16 को कि हमारे ये जो तालिबानी लड़ाके हैं अफगान, इन्होंने शैकल्स ऑफ स्लेवरी को तोड़ दिया, ये गुलाम थे यूएस के कल्चर वाइज इकोनॉमी वाइज, अब इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है। और अब इन्होंने एक और चीज कही थी वैसे इस आदमी ने कि देखो आजादी जो होती है वो माइंड में होती है, आत्मा में होती है, जुनून में होती है, वगैरह वगैरह, तो अब इनको आजादी मिल गई है और अब ये हमारे जो प्रा है ये सॉर्ट ऑफ मुस्लिम प्रा, ये हमारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कितनी हेल्प की वो दिखाई दिया, ठीक है। और आप देखो ये पूरा एरिया इज बीइंग क्लेम्ड एज पश्तूनिस्तान
और ये आपकी अटॉक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब, और यहाँ पर जो आपका ये पश्तून एरियाज है खैबर पख्तूनवा, इसकी बॉर्डर है यहाँ पर, ये अटॉक डिस्ट्रिक्ट है। अटॉक डिस्ट्रिक्ट तक पूरा का पूरा एरिया इज बीइंग क्लेम्ड बाय पश्तून्स एंड दे हैव नेवर सेड दैट वी एक्सेप्ट देम, ठीक है। और आप देखो ये जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं उनको भी कौन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इवन यूएन इज अग्रीइंग, ये इस साल की रिपोर्ट है कि ये पूरा सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, अफगान तालिबान से आ रहा है। टीटीपी लड़ा के पाकिस्तान में जाएंगे बॉर्डर में, यहाँ पे फाइट करके आ जाएंगे और फिर यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से अब देखो पाकिस्तान अभी इस साल ये भी बोला है कि हम एलिमिनेट कर देंगे टेररिस्ट को जैसे इनके कुछ सोल्जर्स मरे, और ये कुछ इस टाइप से एयर स्ट्राइक्स करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया। अब आप ध्यान से समझो, ये पूरा जो एरिया है जैसे मैंने आपको पहले बताया ये माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। अगर कोई पास से यहाँ पर घुस के आ गया खाइबर गोमल और बोलन पास से, तो आप पहली बात तो कितना डिफेंड कर पाओगे वो डिफिकल्ट है, दूसरी बात ये आतंकवादी है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी को भी उठा के मार देंगे। एंड यू आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इंडिया की होड़ के चक्कर में आपने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना दिया। अब आप देखो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है कि ये एनडब्ल्यूएस किसी भी हाथ में किसी भी टाइम पर नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा तो वो हिजबुल्ला के हाथ में कभी भी जा सकते हैं, और हमास या फिर हुतीस के हाथ में भी जा सकते हैं। तो अब बताओ इसके लिए हम क्या करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कंट्रीज, यूएस, इंडिया, क्या यूएस का विड्रॉ करना सही था, कैसे यूएस और इंडिया यहाँ पर अपने लिए एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और पीस और शांति इंश्योर कर सकते हैं वर्ल्ड में, बताइए। लाइक शेयर कॉमेंट, थैंक यू। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।